वर्ल्ड कप का माहौल है साल 2023। वर्ल्ड कप के अंदर टीम इंडिया का डंका खूब जोरों शोरों से गूंज रहा है, लेकिन अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप फीवर चल रहा है 2023 से, चलता है थोड़ा सा पहले यानी कि 2011 की तरफ चलते हैं। जब 2011 वर्ल्ड कप हुआ था, 2011 वर्ल्ड कप भी भारत के अंदर हुआ था, उसके अंदर कई सारे मैच विनर्स थे, लेकिन एक खिलाड़ी का नाम था युवराज सिंह, जिसने अपनी पूरी जान लगा दी थी एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए। खून की उल्टियां हुई थी, लेकिन फिर भी उसने देश के लिए हिम्मत नहीं हारी, उसने देश को वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद अपना इलाज करवाया। अब एक बार फिर से वर्ल्ड कप के ही टाइम पे उसी खिलाड़ी का बयान वायरल हो रहा है। 2011 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच में युवराज सिंह का एक नया नवेला बयान वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने अपनी और एमएस धोनी यानी कि 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान की और एमएस धोनी के रिश्तों के ऊपर बात की है कि मेरे और एमएस धोनी के रिश्ते कैसे। आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप टीम के अंदर कई सारे खिलाड़ी ऐसे थे जैसे कि युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और बाकी हरभजन सिंह वगैरह, तो काफी सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो कि लगातार बयानबाजी करते रहते एमएस धोनी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एमएस धोनी चुप रहते, एमएस धोनी शांत रहते, एमएस धोनी कुछ भी रिटर्न में नहीं बोलते। अब एक बार फिर से सवाल उठते रहते कि एमएस धोनी का रिश्ता कैसा है गौतम गंभीर से, एमएस धोनी का रिश्ता कैसा है युवराज सिंह से, क्योंकि यहां पर निशाना साधा जाता है कि एमएस धोनी ने गौतम गंभीर को बाहर करवाया था वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप के बाद उसके बाद उन्होंने बाहर किया था वीरेंद्र सहवाग को, हरभजन सिंह को, यानी कि कहीं ना कहीं कैप्टन के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो अब एक बार फिर से जब एक इंटरव्यू के अंदर युवराज सिंह से पूछा गया कि आपका और एमएस धोनी का रिश्ता कैसा है, तो जो उनके जवाब थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, जहां पर उन्होंने बात बोली कि मेरा मैं और एमएस धोनी बहुत अच्छे दोस्त नहीं है और हम सिर्फ क्रिकेटिंग टर्म्स में दोस्त थे, और इसके अलावा काफी सारे उन्होंने खुलासे किए, क्या क्या बातें किए एमएस धोनी ने, एमएस धोनी के ऊपर युवराज सिंह ने। आइए एमएस धोनी के लिए बात करते हुए युवराज सिंह ने कहा, हम करीबी दोस्त नहीं थे, हम दोस्त थे क्योंकि क्रिकेट के कारण, मैं उससे बिल्कुल अलग था, हम यकीनन दोस्त नहीं थे। जब हम साथ में मैदान पर होते थे तो दोनों मिलकर 100% देते थे, वह कप्तान था मैं उपकप्तान था, कुछ फैसले जो वो लेते थे वो मुझे ठीक नहीं लगते थे तो कुछ मेरे फैसले उन्हें पसंद नहीं आते थे, ये हर टीम के साथ होता है, टीम को अलग आगे लेके जाने के लिए ऐसी बातें होती रहती है। तो ऐसा कहना था युवराज सिंह का एमएस धोनी के ऊपर कि मैं और धोनी जो दोनों थे वो सिर्फ क्रिकेट के बेस के ऊपर दोस्त थे, हम बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। इसके बाद से लगातार अलग अलग प्रक्रिया आ रही है, रिएक्शन आ रहे हैं फैंस की तरफ से, कुछ लोग एम एस धोनी को बैशिंग कर रहे हैं और तो कुछ लोग युवराज सिंह को बैशिंग कर रहे हैं कि आपने एक और नया पैतरा, एक और नया टंटा आजमा लिया और एक बार फिर से यहाँ पर उंगलियां उठाई जा रही है एम एस धोनी की तरफ रिश्तों को लेकर। लेकिन बाकी सारे खिलाड़ी जो खुश रहते हैं एम एस धोनी से, इससे पहले युवराज सिंह का बयान था जहां पर उन्होंने बोला था कि एमएस धोनी ने सुरेश रैना को बहुत ज्यादा बैक किया, उसके अलावा रोहित शर्मा को काफी ज्यादा बैक किया, जडेजा को काफी ज्यादा बैक किया, तो एक कैप्टन का अपने खिलाड़ी के ऊपर भरोसा अच्छा होता है और हर कैप्टन का एक फेवरेट खिलाड़ी होता है ताकि उसको वो बैक करे और वो बड़ा मैच विनर बने। तो आज के टाइम पे जडेजा हमें पता है कितने बड़े मैच विनर, रोहित शर्मा हमें पता है कितने बड़े मैच विनर है। तो इसी चीज के बाद युवराज सिंह ड्रॉप हो गए थे 2011 वर्ल्ड कप के बाद, और उसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, और कहीं ना कहीं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनका करियर खत्म होने की कगार पर आया, वो आईपीएल के अंदर भी उनको पिक नहीं किया गया और अब जाके एलिगेशंस यहां पर सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी आने वाला टाइम कैसा होगा वर्ल्ड कप टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए, ये सब चीजें साइड में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। फिलहाल इसी वीडियो में।